कि भारत जोड़ो पदयात्रा के शोर के बीच छत्तीसगढ़ में चुनावी पदयात्रा की तैयारियां तेज हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से जोगी जन अधिकार पदयात्रा निकालने जा रही है। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी करने वाले हैं। इसका पहला चरण 300 किलोमीटर का होगा। अमित जोगी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 350 दिन बाकी हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे इसी महीने से अपने चुनावी तैयारी का आगाज करने जा रही है। इसके तहत जोगी जन अधिकार पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। मैं स्वयं इस यात्रा का नेतृत्व करूंगा और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग हर जाति के लोगों तक अपने विजन को पहुंचाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय दलों को घेरते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने हमारे छत्तीसगढ़ को केवल वोट के बदले खोट देने का काम किया है। पहले एक राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री ने 15 सालों में वादा खिलाफी और लूट का इतिहास रचा, तो अब दूसरे राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री वादा खिलाफी और लूट के रिकॉर्ड को 4 सालों में ही तोड़ने में जोर शोर से लगे हैं। अमित जोगी ने कहा है कि पहले बोनस की वादा खिलाफी, फिर शराबबंदी, नियमितीकरण, आवास, बेरोजगारों को 2500 रुपए हर महीने देने की वादा खिलाफी की सूची बहुत लंबी है। जोगी ने कहा कि इस तरह दोनों राष्ट्रीय दलों पर चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत चरितार्थ होती है। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि दोनों दलों को उनके कृत्यों और कुशासन के लिए कोसने से कुछ नहीं होगा। समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने कल को उज्जवल बनाने, राजनीति की एक नई व्यवस्था की नींव रखे और क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ मिलकर अपने विकास को सुनिश्चित करे। अमित जोगी ने कहा कि जोगी जन अधिकार पदयात्रा के माध्यम से बूथ स्तर पर नए लोगों, विशेषकर युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा और एक मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। 5 चुनावी मांगों के साथ उतरेगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। 2500 रुपए समर्थन मूल्य केवल एक फर्जीवाड़ा है। बढ़ती महंगाई ने किसानों की लागत को और बढ़ा दिया है, इसलिए किसानों के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की मांग है। बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था। 4 साल हो गए, एक पाई नहीं दी गई। 48 महीनों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के हर युवा बेरोजगार के खाते में 1,20,000 रुपए डालने की मांग है। गरीबों के लिए आवास नहीं बनाना सबसे बड़ा पाप है। सरकार हर हितग्राही के खाते में तत्काल 5 लाख रुपए डाले ताकि लोग अपना आवास बना सकें। अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण में थोड़ी भी काट छाट नहीं करने देंगे। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शराबबंदी को तत्काल लागू किया जाए। अमित जोगी के इस पदयात्रा के जरिए दोनों राष्ट्रीय दलों को, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।